वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के निर्माण को अवैध माना। मस्जिद में तैनात इमाम को भी अब हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में बाहरी के आने पर भी रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे संजोली मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वक्फ बोर्ड ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ये जो मस्जिद का निर्माण है वो अवैध तरीके से हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो मस्जिद पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इस पर वक्फ बोर्ड ने अब मस्जिद को अपने कब्जे में लिया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड की तरफ से यह माना गया है कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो अवैध है। दरअसल ये 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, जबकि NGT ने शिमला में 2.5 मंजिल को ही इजाजत दी है इमारतों को। ऐसे में ये जो ऊपर के फ्लोर है ये अवैध है, इस पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़कों पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिमला की संजोली मस्जिद का विवाद अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब हिमाचल में BJP की सरकार थी तब क्यों नहीं इसे रोका गया। तो गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और आपको बताएं कि इसमें यह कहा गया कि मस्जिद विवाद पर वो कह रहे हैं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल कई सारी अवैध वहां पर मस्जिद बनाई गई है, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है कि जब BJP की भी सरकार हिमाचल में थी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उस वक्त भी तो मस्जिद को बनाने का काम चल रहा था। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि 3 लाख ऐसी मस्जिद है जो अवैध तरीके से बनाई गई है। मैं सरकार ने जवाब दिया, ये मंत्री ने कहा, वो सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है, लोग उसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जिस भी राज्य में हो, बेटियों की असमत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। कल शर्मनाक घटना हुई सिद्धार्थनगर में कि एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार। कब